हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल में संगीता गुरु ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। अभी सब्जी मेरी बन गई है, अब मैं बना रही हूँ, अब मैं रोटी बना रही हूँ। धूप में बैठूंगी और धूप में बैठकर ब्रेकफास्ट कर लगी हूँ मैं। ये देखिए, मैंने जो कल गलगल का अचार डाला था और ये उस दिन मूली का, इसको मैंने धूप में रखा है। अभी मैं धूप में बैठकर करूंगी ब्रेकफास्ट, है ना। अभी फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सभी हो गया। अभी मैंने बर्तन साफ करने को है, मैं बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ। अभी मैं सब्जी वाला भी घर में ही आया, तो फिर मैंने ये ले ली मूली। अब इसको भी मैं साफ करके रख लेती हूँ डब्बा में बंद करके, जब यूज करूंगी तब निकालूंगी। अब नहीं तो फिर अगर इसको ऐसे बाहर रखूंगी तो फिर ये खराब हो जाएंगे। और इसके पत्ते को देखूंगी, अगर इसका पत्ता भी सॉफ्ट होगा, अच्छा होगा, तो फिर इसके पत्ते की फिर मैं सब्जी बना लूंगी। नहीं तो फिर ये देखने में तो बिल्कुल फ्रेश ही है। नहीं तो इसके जो नरम नरम पत्ते होते हैं, इसकी फिर मैं सब्जी बना लूंगी। इसको काट कर देखते हैं ये कितना कर नरम होगा। तो ठीक है, नरम ठीक ही है ऐसे। अब इसको मैं धोकर रख लूंगी डब्बे में, एयर टाइट के डब्बे में, फिर ये थोड़े दिन तक फ्रेश ही रहेंगे। ये ब्रेकफास्ट के बर्तन है, ये साफ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम। अभी मैं राजमा बनाने जा रही हूँ। राजमा मैंने उबाल कर रख लिया हुआ है, ये मैंने प्याज और आलू काट के रखे और इसमें मैं मेथी डालना भूल गई। अब मैं पहले इसमें डाल देती हूँ मेथी। मसाला भून गया, अब मैं इसमें जो राजमा उबाल के रखे थे डाल दूंगी। इसको ढककर थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, बस फिर इसमें उबाल आ गया तो बस फिर इसमें गैस बंद कर दूंगी। बस ये हो गया फिर तैयार। अभी चावल में थोड़ी देर में बाद में बिठाऊंगी, अभी मैं पहले ये सब्जी बना लेती हूँ। फिर उस ऊपर अभी बहुत ठंड लग रही है अंदर, ऊपर जाऊंगी थोड़ी देर, छत में बैठूंगी धूप में, फिर बाद में आकर फिर मैं चावल बनाऊंगी।
तो फ्रेंड्स अभी शाम के बज गए हैं 5, अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय। अब हो गया है मौसम ठंडा। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है शाम का टाइम। तो अभी शाम को बहुत ज़्यादा हो जाती है ठंड। अभी जो दोपहर के लंच के बर्तन थे अभी वो सब भी समेटना है, साफ करके रखे हुए बर्तन। अभी चाय भी उबल रही है, चाय को उबलने में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है तो चाय भी बहुत लेट होती है। वैसे मैं हमेशा गर्म पानी डालकर ही चाय बनाती हूँ, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। जब तक चाय हो जाती है तब तक मैं बर्तन समेट के रख लेती हूँ। जो मैंने आज सुबह मूली लिए थे उसको मैं धोकर काटकर मैं एयरटाइट के डब्बे में रख देती हूँ। ऐसे करके रखने से 2-3 दिन तक आराम से फ्रेश ही रहते हैं। और जो इसके पत्ते थे वो पत्ते को मैंने धोकर रख लिया है, इसका मैं कल साग बनाऊंगी। थोड़ा सा मूली डालूंगी इसमें 2-3, और फिर मैं कल इसको सुबह ब्रेकफास्ट में मैं इसका साग बनाऊंगी। इसको मैं ऐसे एयरटाइट में बंद करके फ्रिज में रख दूंगी, ये फिर वो नहीं रहती, ये फ्रेश ही रहते हैं ये। अब मेरी तब तक मेरी चाय भी उबल गई, ये देखिए चाय उबल के गिर रही है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने चाय पी है, अभी चाय पीकर बैठी हूँ मैं अभी, और बैठकर मैं ये स्वेटर बना रही थी। ये मैंने पिछले साल से लगाई है जो अभी तक पूरी ही नहीं हुई है। तो फिर आज आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मैं अब आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट बाय।